चेयरमैन इब्तदाई रसूल कलीसिया ऑफ पाकिस्तान पास्टर डॉक्टर मरकज शरीफ ने सैलाब ज़दा इलाकों को अमदादी रिलीफ का जायजा लेने वाले पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसा में 6 अफसरान कवर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली डीजी कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद हनीफ ब्रिगेडियर खालिद मेजर सैयद अहमद मेजर तलहा मनान और नायक मदसर फयाज के शहीद होने पर मुल्क मिलत जानबाज सपूतों को सलाम पेश करते हुए कहा कि वतन अजीज पर कुर्बान होने वाले बहादुर हमारे असल मोहसिनों हीरो हैं मसीही बरादरी लवाकीन के गमे बराबर के शरीक हैं पाकिस्तान के बेटों की शहादत पर हर आंख अश्कबार है खुदा ताला शहदा के दर्जात बुलंद और गमजदा खानदानों को सब्र जमील अता फरमाए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सजावल खान ने थाना सदर के इलाका दोलेवाला में लड़की से ज्यादती की कोशिश करने वाले इलियास मसीह को जुर्म साबित होने पर 5 साल कैद 50,000 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया एमडी रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अवैस मंजूर ताड़क ने कहा है कि कंपनी ने महरम अल हराम यौम अशूर के लिए सफाई प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया है वर्कर्स की छुट्टियां मंसूख करते हुए इजाफी तादाद में उनकी ड्यूटियां लगा दी गई हैं हल्का एन ए 237 मिले कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के उम्मीदवार और सीनियर नायब सदर पीपल्स डॉक्टर फॉर्म कराची डॉक्टर अयूब बलोच से खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई मुलाकात के दौरान मौजूदा सियासी हालात हाजरा पर तफसीली तबादला ख्याल जेर बहस रहा डॉक्टर अयूब बलोच एन ए 237 मिले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से टिकट के लिए पुरउम्मीद भी हैं और मुतहरिक भी हैं मेंबर सिंध कौंसिल नासिर रहीम लोधी का सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ईडी कराची तारिक अली नजमानी और जनरल मैनेजर सईद मासूम अली असिस्टेंट डायरेक्टर मंजूर हुसैन और हसीब के हमरा एक अहम मीटिंग की गई इस मीटिंग में मेंबर सिंध कौंसिल नासिर रहीम लोधी ने कुरंगी के मुख्तलिफ यूसीओ में दरपेश कचरे के मसाइल पर बातचीत की बीच 36 लांडी में मौजूद मदरसे का भी विजिट करवाया और नूरत बशर को ये यकीन दहानी करवाई कि बहुत जल्द आपके मसाइल को हल किया जाएगा और मदरसे के करीब जो कचरा कुंडी है इसे खत्म किया जाएगा इस्लामाबाद में सेंटर कामरान माइकल ने चेयरमैन नाथरा मोहम्मद तारिक मलिक से मुलाकात की जिसमें मसीही लोगों को शनाख्ती कार्ड बे फॉर्म और निकाह नामा बनवाने में दरपेश मुश्किलात के हल के लिए तफसीली मीटिंग हुई जिसमें चेयरमैन नाथरा ने मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई कि जल्द इन तमाम इश्यूज के हल और चर्च की डिमांड पर फौरन नाथरा मोबाइल सर्विस की सहूलत फराहम करने का हुक्मनामा जारी किया जाएगा पंजाब हुकूमत ने जेल में अपनी मजहबी किताबें पढ़ लेने वाले हिंदू और मसीही कैदियों की सजा में कमी का फैसला किया है महकमा दाखिला पंजाब के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला को भिजवाई गई समरी में कहा गया है कि हिंदू और मसीही कैदियों को गीता और बाइबल पढ़ लेने पर कैद में 3 से 6 रियायत मिलेगी वज़ीर आला की मंजूरी के बाद समरी कबीना को पेश होगी कबीना की मंजूरी के बाद महकमा दाखिला नोटिफिकेशन जारी करेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गल्फ फॉर मिडल इंफॉर्मेशन सेल का इजलास ज़ेर सदारत चौधरी सजाद नज़ीर सेक्रेटरी इत्तला'आत पीपल्स पार्टी गल्फ फॉर मिडल के मलिक खुरम शहजाद ऐवान एडिशनल सेक्रेटरी इत्तला'आत नजमा जिलानी सेक्रेटरी इत्तला'आत आतिफ गिलानी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तला'आत और बातिल इसहाक डिप्टी सेक्रेटरी इत्तला'आत मिनोरिटी विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गल्फ फॉर मिडल ईस्ट ने शिरकत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनोरिटी विंग जिला हैदराबाद के नायब सदर मकबूल मसीह खोखर की क्यादत में पीपीपी के सीनियर रहनमा से मुलाकात की और वहां पर हैदराबाद के मिनोरिटी के लोगों की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई